नमस्कार, मैं विद्या एसएसवी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के दिन में मिंडा इंडस्ट्रीज की शेयर 360 रुपये प्रति शेयर ट्रेड कर रहा है। वो आपके लिए क्यों अच्छा बेट साबित हो सकता है, क्यों आपको मिंडा इंडस्ट्रीज़ के शेयर पे नज़र रखनी होगी। मिंडा इंडस्ट्रीज़ ऑटो सेक्टर की एक नामी कंपनी है और यह इलेक्ट्रिकल पार्ट जैसे कि बैटरीज, लाइट्स, मोल्डेड पार्ट्स एक्सेट्रा बनाती है। कोरोना से जूझ रही ऑटो इंडस्ट्रीज़ में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सबकी नज़र मिंडा इंडस्ट्रीज़ पे आके टिक गई है। इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के शुभारंभ ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राइट इशू का मतलब है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रही है कि फ्यूचर डेट में आप कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंटेड रेट में खरीदने का। कोई भी कंपनी ऐसा करती है जब उसके पास डेट चुकाने के लिए पैसा नहीं है या फिर कोई नया एक्सपेंशन करना चाहती है, कोई नया प्लान डालना चाहते हैं और उसके लिए वह मार्केट से पैसा उठा नहीं सकते। लेकिन जब राइट इशू आता है तो शेयर प्राइसेस में गिरावट आना चालू हो जाता है और इसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको डिस्काउंटेड रेट में शेयर्स मिल जाते हैं। आप अगर मिंडा इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स हैं या आप अभी शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको आपके लिए क्या सही होगा, डिटेल्स एनालिसिस जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मिंडा इंडस्ट्रीज राइट इशू डिटेल्स। इशू डेट, इशू 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर तक क्लोज होगा और राइट इशू के शेयर्स 18 सितंबर को क्रेडिट होंगे और फिर फुल्ली अप पेड अप इक्विटी शेयर्स के साथ मर्ज होंगे 22 सितंबर को और उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। नंबर ऑफ शेयर्स, इस इशू के जरिए 97,11,739 प्रपोज किए हैं। राइट इशू के बाद 27,19,28,704 टोटल शेयर्स होंगे। इशू प्राइस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, इशू प्राइस 250 आज के प्राइस से 30% डिस्काउंट पे। एप्लीकेशन के साथ ही आपको फुल पेमेंट करना होगा। इशू साइज़ के जरिए कंपनी 242,79,34,750 रुपीज़ राइज करेगी। राइट इशू अनटाइटलमेंट रेशियो 27 शेयर्स के ऊपर आपको एक शेयर्स मिलेगा और रिकॉर्ड डेट है 17 अगस्त। ऑब्जेक्ट ऑफ द इस इशू के जरिए जुटाई गई राशि को कर चुकाने और उनके जॉइंट वेंचर कंपनी टोयोटा गोसावी मिंडा को इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा और बची हुई राशि को जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए रखा जाएगा। मिंडा इंडस्ट्रीज़ का FY20 का प्रॉफिट में 45.7% की गिरावट के साथ 154.95 करोड़ आया है अगेंस्ट 285.62 करोड़ FY19। रेवेन्यू में 7.5% की गिरावट के साथ 5,465.14 करोड़ रिपोर्ट किया है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। COVID-19 के ग्लोबल क्राइसिस के चलते कंपनी ने जून क्वार्टर में 119 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया है जो कि 56 करोड़ प्रॉफिट था पिछले साल के जून क्वार्टर में। रेवेन्यू में 71 करोड़ की गिरावट आई है। एनालिसिस, अब आप समझ चुके होंगे कि मिंडा इंडस्ट्री के हालात काफ़ी ख़राब है COVID-19 के इस पेंडेमिक की वजह से और इशू से जुटाई गई राशि को वह अपना डेब चुकाने अपना जॉइंट वेंचर कंपनी में लगाने जा रहे हैं। कंपनी का 24 अगस्त को क्लोज प्राइस 360 रुपीज़ प्रति शेयर है और राइट इशू प्राइस 250 रुपीज़ प्रति शेयर। आने वाले दिनों में प्राइस नीचे की तरफ आने के चांसेस है क्योंकि 25 अगस्त से राइट इशू प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब COVID-19 के ऐसे हालात में क्या आपको मिंडा इंडस्ट्रीज़ के शेयर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। COVID-19 के हालात में काफ़ी सुधार आने लग गया है और अक्टूबर तक शायद वैक्सीन भी आ जाएगी और ऑटो सेक्टर्स में पॉजिटिव ट्रेंड आने के चांसेस दिख रहे हैं, तो ऐसे गिरावट में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिंडा इंडस्ट्रीज़ में आ सकती है। तो ज़रूर आप इसमें गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। धन्यवाद।